आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का बेशक सहारा न हो। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हम सफर अंजुम निसार। और अब से लेकर रात के ठीक 11 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको आपकी पसंद के फिल्मी नगमे सुनवाएंगे। जी हां दोस्तों, और आज के प्रोग्राम की बात करें तो आज सबसे पहले हमें बट जीशान साहब ने लिखा है, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपने धर्मवीर फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। और ये नगमा जो है ये धर्मेंद्र और जिनत मान पर फिल्माया गया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और आपने कुछ और नाम भी लिखे हैं अपने इस कमेंट में, ये हैं भट जीशान, भट शाहीना, भट अहमद, भट वाहिद, आंचरा सौरा से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। सईद सद्दाम साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आपने एक शेर भी लिखा है, आप लिखते हैं, जुल्म करती है तेरी यादें मुझ पर कसम से, सो जाऊँ तो उठा देती हैं, जाग जाऊँ तो रुला देती हैं। बहुत खूब मेरे दोस्त, और आपने कुर्बानी फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। और इम्मू कुरेशी साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर खान साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। सेवराम रत्नानी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और रफ़ी रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारे मुस्तकिल सामिया। आप लिखते हैं, बेशुमार यादों के साथ अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। और शब्बीर खान साहब ने सलाम लिखी है, हरबनस सिंह चबरा साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने गूंज उठी शहनाई फिल्म से दो गाना सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। और सेवाराम रत्नानी साहब लिखते हैं, अंजुम निसार जी नमस्कार,
मौसम मंसूरी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और हमारी बहन अनुलता तिवारी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नमस्कार लिखा है। चौपान मुदस्सिर साहब लिखते हैं, कैसे हो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और मनोज जेठवा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं ओम सियाराम। बट बासित साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे एक और मुस्तकिल सामिया मोहम्मद यासिन अनजान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आई एम वॉचिंग फ्राम झारखंड, यूर नाइस प्रोग्राम स्वीट सॉन्ग्स। बहुत खूब खूब मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो है हम नगमा सुनते हैं, सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत नगमा है, इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है बट जिशान साहब ने, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या।
दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। कई सारे दोस्त आज भी प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं रफ़ी रहमान साहब। आपने दो गाना सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। लता और रफ़ी की आवाज़ में आपने दो गाना सुनना चाहा है। मौसम मंसूरी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम साहब आज हम दोस्तों की फरमाइश एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप बाकी दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं। गणेश प्रसाद खुशदर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, गुड मॉर्निंग अंजुम साहब, लेकिन यहाँ तो रात है मेरे दोस्त, और आप कहाँ से हैं मेरे दोस्त जहाँ पे इस वक्त सुबह है। खैर, आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। मोहम्मद यूसुफ यासीन अनजान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। भट्ट बासित साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं कि आप एक नगमा सुनना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है बने रहें प्रोग्राम में। बबलेश पनवार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, आदाब नमस्कार जी। बिलाल मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, कैसे हैं आप? आज बहुत दिनों के बाद आपका प्रोग्राम वॉच कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था सर, सलामत रहो हमेशा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता होगा। और प्रकाश देशपांडे साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, गुड इवनिंग अंजुम निसार सर, प्रकाश देशपांडे फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। हमारे एक और मुस्तकिल सामिया इंतज़ार अंजुम साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अंजुम निसार साहब। वालेकुम अस्सलाम। याकूब खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और सेवाराम रत्नानी साहब ने नगमा सुनना चाहा है रफ़ी जी की आवाज़ में, बने रहें प्रोग्राम में। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये है मलिक मकसूद साहब। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। विनायक धनवेश्वर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। महाराष्ट्र से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हीरालाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। तलत महमूद की आवाज़ में आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। तेलंगाना से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गणेश प्रसाद हुजदर साहब लिखते हैं, आज की मेरी पसंद फिल्म अपने हुए पराए, इस फिल्म से आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, आरजे अंजुम निसार जी आदाब व सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और राम कुमार रिवार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप राजस्थान से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। गंगा सिंह रावत साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं। नगमा सुनते हैं, खूबसूरत नगमा है ये, दो गाना है ये, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ों में। और इस नगमे को लिखा है भारत व्यास ने, संगीत से इसको सजाया है वसंत देसाई ने, और सुनवाने के लिए हमें लिखा है हरबंस सिंह चबरा साहब ने। तो ये रही दोस्त आपकी पसंद। Ah
पल मुखड़ा देखा जा, दिल का दुखड़ा मिटा जा, तुझ बिन सोना सोना मेरा है जहान रे। तेरी शहनाई भोले, तुझे दिल मेरा ढोले, जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी शहनाई। इस फिल्म से आपने दो गाना सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, लोन जावेद साहब। आप लिखते हैं, आई लव ओल्ड सॉन्ग्स। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और अगर आप भी अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और वीर गवर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आप बने रहें प्रोग्राम में। हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं रामजी प्रसाद साहब। आप भी हमारे मुस्तकिल साहबजा हैं, हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लोन जावेद साहब लिखते हैं कि परिवार फिल्म से आप कोई भी नगमा हमें सुनवाएं। तो जावेद साहब, आपसे गुजारिश है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। कमल शर्मा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, खागरपुर से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। अब्दुल हमीद नजार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। मेहरबान अली अंसारी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, और आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो बने रहें प्रोग्राम में। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब ने नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। साहिल अयाज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने परिवार फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। और इसी फिल्म से हमारे एक दोस्त ने भी एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आप दोनों के लिए ये नगमा बाद में पेश करूंगा, आप बने रहें प्रोग्राम में। लोन जावेद साहब हैं, आपने सलाम भी लिखी है, आपने ही ये नगमा सुनना चाहा था। और इंतज़ार अंजुम साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हमारी बहन हैं रिवो शर्मा जी, आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आपने किशोर कुमार की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। जीवन प्रकाश चमोली साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने मुकेश की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। और कई सारे दोस्तों की जो फरमाइश है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो जिन जिन दोस्तों का मैं नाम नहीं पढ़ पाता हूँ, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि एक बार फिर आप कमेंट करें, ताकि आपका जो कमेंट यहाँ पे रह गया तो उसे मैं एक बार फिर पढ़ूँ। फिरासत हुसैन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। आप लिखते हैं, अंजुम निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी फरमाइश 10 रोज़ से पूरी नहीं हुई। और आपने आरजू फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे गुजारिश है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं।
एजाज उल इस्लाम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, एजाज फ्राम कश्मीर। एजाज साहब आपका खैर मकदम है और वालेकुम अस्सलाम। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहें तो आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। गुलाम हसन बानिया साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शौकत मट साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। शिव कुमार त्रिवेदी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, इंतज़ार अंजुम साहब ने इसकी फरमाइश की है, तो ये रही आपकी पसंद। दोस्तों अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं, और आज भी हमारे प्रोग्राम में कई सारे दोस्त पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। मलिक शब्बीर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है कभी कभी फिल्म से। आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। और बट इश्तियाक साहब लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, मैं इश्फाक, मैं बांडीपोरा से। और आगे आप लिखते हैं मेरी साथ मेरी वाइफ
अफरीना है, बहुत टाइम के बाद प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो आप दोनों मियाँ बीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहें तो आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही शानदार तरीके से गुजरे और अल्लाह की सारी रहमतें आप दोनों पर नाजिल हों। इमरान अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। गंगा सिंह रावत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, हीरा लाल रॉय साहब हैं और इमरान अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं अंजुम निसार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे एक और मुस्तकिल सामिया ये विकासपुरी न्यू दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, जोगिंदर सिंह बत्रा साहब, आप लिखते हैं आदाब अंजुम निसार साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आज एक खूबसूरत नगमे की फरमाइश है, ख्वाहिश है। खैर, नगमा आपने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुनना है, एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से। हम ज़रूर आपके लिए यह नगमा पेश करेंगे, आप बने रहें प्रोग्राम में। और प्रकाश देशपांडे भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, अनीस साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने दो गाना सुनना चाहा है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। महराज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और प्रकाश देशपांडे साहब लिखते हैं, सर मैंने फरमाइश भेजी है, पहले मिले थे सपनों में, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, ज़िंदगी फिल्म से नगमा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आप बने रहें प्रोग्राम में दोस्त, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। लोन जावेद साहब और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आज आप दोनों मेरे ख्याल में पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप दोनों ने नगमा सुनना चाहा है परिवार फिल्म से, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। एक तो ये हैं लोन जावेद साहब, एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं जिसने परिवार फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आप दोनों के लिए पेश कर रहे हैं परिवार फिल्म से ये खूबसूरत सा नगमा। Thank you.
दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। नितिन मुकेश की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था परिवार। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और वीर गवर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम निसार साहब अस्सलाम वालेकुम और कश्मीर कन्वीनर के तमाम सामईन को वालेकुम अस्सलाम। आपने लिखा है कि आपने एक शेर लिखा है गालिब का, तो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपने लिखा है, हर बार गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बहुत ही खूबसूरत शेर है ये। और काफ़ी सारे दोस्त आज भी हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। मलिक तहरा साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है कभी कभी फिल्म से, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और सेवराम रत्नानी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने शतरंज फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। शिव कुमार त्रिवेदी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। शमा अफरोज साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने दो गाना सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ों में। बनी रहें आप भी प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। अबू बकर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, होप एवरी वन इज़ फाइन वर हियर विद हेल्थ हेल्दी हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया। और परमवीर रावत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान की चाहत होती है कि वो दूसरों के दिलों में उतरे। जी हाँ, और ख़ास तौर से अपने जो उनके करीबी होते हैं, उनके ख़ास जो होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं या दोस्त अहबाब जो होते हैं, हर एक की यही ख्वाहिश रहती है कि उनके दिल में उतरे। लेकिन दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं बल्कि अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप जब भी किसी से मिलें, बहुत ही सादगी से मिलें, बहुत ही अच्छे अंदाज में मिलें। और यकीनन जब आप अच्छे इखलाक के साथ किसी से पेश आएंगे तो ज़रूर आप उसके दिल में उतरेंगे। नगमा सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। ताहिरा मलिक साहिबा ने इसकी फरमाइश की है। कभी कभी फिल्म से ये नगमा है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बहन आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
दोस्तों आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और आज भी हमारे प्रोग्राम में कई सारे दोस्त पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं और जो नए दोस्त आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उन सबको हम बता दें कि ये प्रोग्राम हर रोज़ हमारे यहाँ से नशर होता है बिल्कुल रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि आप हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होइएगा। मुश्ताक अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप सोपोर से मेरे ख्याल में हैं, आपने लिखा है मुश्ताक सोपोरी, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। शेख शौकत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं कैसे हैं जी आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहिल अयाज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और नीलम जान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर, मैं अल्लाह ब्लेस यू आमीन। शुक्रिया, अल्लाह आपको भी हमेशा सलामत रखें और आपके दिल की हर मनोकामना पूरी करे। आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में नगमा सुनना चाहा है तो हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं रघुवर कुमार सोनी साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मुस्तकिल सामिया हैं उनकी फरमाइश किसी हद तक एक हिसाब से रह गई है तो, लेकिन आप सभी जानते हैं हमारे जो मुस्तकिल सामिया हैं वो भी सभी जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये भी है कि हम सबसे पहले हमारे नए दोस्तों की फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारे सभी दोस्तों को, हमारे जो मुस्तकिल सामीन हैं यहाँ पे, वो सब हमारे जो नए दोस्त हैं उनका खैर मकदम करें। और फिलहाल नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, सुनवाने के लिए लिखा है नीलम जान साहिबा ने, ये रही आपकी पसंद। रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, जानता
कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज हमारे साथ सुनते हैं, और जी हाँ, रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये प्रोग्राम आपके लिए नष्ट किया जाता है। दोस्तों, किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को भी रेजा रेजा कर देती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपसे आपके साथ कोई नरमी से पेश आता है तो आप उसे कमज़ोर ना समझें, बल्कि ये समझें कि वो आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है। सेवाराम रत्नानी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, और एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, मलिक शबीर साहब। इन्होंने एक दुख भरी खबर एक हिसाब से यहाँ पे हमें लिख के भेजी है। ये लिखते हैं कि एक लियोपर्ड जो है उसने अटैक किया है एक लड़के पर, यहाँ पर हमारे दुधवन जो है इलाका एस के बाला एरिया बांडीपोरा में, और वो इंजर्ड हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, और बाकी जो तफसील हैं उनका इंतज़ार है। अल्लाह करे कि उसे कोई ज़्यादा चोट ना आए। और आप लोगों से गुजारिश है, जो भी हमारे यहाँ पे जो रहते हैं, ख़ास तौर से उन इलाकों में जो बिल्कुल जंगल के नज़दीक हैं, कि वो शाम होते ही अपने घरों के अंदर चला करें, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं वो अटैक कर रहे हैं लोगों पर, और कई इस हादसे में बहुत सारे लोगों की अमवात भी हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो जितना मुमकिन हो सके अपना काम दिन में ही निपटा लें, और सुबह ज़्यादा सवेरे आप बाहर ना निकलें, और रात को जब शाम होते ही आप घर के अंदर चले जाएं। खैर, हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये जो ज़ख्मी हुए हैं एक लड़के, अल्लाह उनको जल्द सहतयाब करें, और दुआ करते हैं कि ज़्यादा ज़ख्मी ना हुए हों। मुनीम बाबू साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और प्रोग्राम के सभी साथी भी ठीक होंगे। अल्लाह हमेशा ठीक रखे साथियों को। और आप लिखते हैं कि आप गुरेज़ दुलेल से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपने एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, शम्मा अफरोज़ साहिबा, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है, इज्जत फिल्म से। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, ये हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप हैं रामजी प्रसाद साहब, आप लिखते हैं, अंजुम निसार साहब, बहुत दुख के साथ कहना है कि पिछले 10 दिनों से मेरी फरमाइश आपको दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? और आगे आप लिखते हैं कि कृपया खुलासा करें। रामजी प्रसाद सासा मूसा गोपालगंज बिहार से। खुलासा तो यही है कि मेरे दोस्त, हम कभी कभी ये भी चाहते हैं कि आपका, हम आपके सब्र का या आपके प्यार का हम थोड़ा सा इम्तिहान लें, और देखते हैं कि कहाँ तक आप उस इम्तिहान में कामयाब होते हैं। और यकीन मानिए, जब आप इस तरह से प्यार भरी शिकायत यहाँ पर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपने शिकायत के बदले अगर अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप किया होता तो हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करते हैं। और आज जो हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल जो दोस्त हुए हैं, उन सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अयान खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। असमत जान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखती हैं, नाइस सॉन्ग। और तवहीद परवेज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारी एक और मुस्तकिल सामिया, ये तो हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में अभी शामिल तो नहीं होती थी, लेकिन पहले कभी हमारे प्रोग्राम की मुस्तकिल सामिया हुआ करती थी, मोतीजा बेगम लीजा, ये बांग्लादेश से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ती हैं। आपने सलाम लिखी है सभी दोस्तों को, आप लिखते हैं, हाउ आर यू, आई होप एवरी वन इज़ वेल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, हम सब बिल्कुल ठीक हैं, और अल्लाह से दुआ है कि आप ही से ही सलामत हों। और आज आप बड़ी मुद्दत के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, तो आपका हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। फ़िलहाल नगमा सुनते हैं, शम्मा अफरोज़ ने इस नगमे की फरमाइश की है, तो बहन ये रही आपकी पसंद।
अब है जाने अदा हम क्या करें दोस्तों। अपने साहिर लुधियानवी के बोल सुने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आवाज़ें तो आपकी
जानी पहचानी थी, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। अब हम नगमा सुनते हैं हमारे दोस्त की पसंद पर। आज भी हमारे प्रोग्राम में कई सारे दोस्त पहली बार प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं। शौकत साहब हमारे प्रोग्राम में एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, सर मैं आज पहली बार शामिल हुआ हूँ। और आगे आप लिखते हैं, जी प्लीज़ मेरी फरमाइश पूरी कहें। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है भरोसा फिल्म से, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं। और इस नगमे को संगीत से संवारा है रवि ने। ज़रूर आपके लिए नगमा पेश करेंगे। और मुजफ्फर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। मुजफ्फर सूफी साहब, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। और जावेद खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। तवहीद परवेज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। और राजा जहांगीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी लिखा है कि बहुत ही खूबसूरत नगमा। एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं दशराज बसान साहब। आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो मेरे दोस्त, हिंदी मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप या तो उर्दू में लिखें या फिर आप इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करें ताकि मैं समझ सकूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। और प्रकाश देशपांडे साहब लिखते हैं, सर मेरी फरमाइश का क्या हुआ। सामी, आप भी जानते हैं प्रकाश साहब कि आपको मालूम है हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उन दोस्तों की फरमाइश हो जिन्होंने कई दिनों से अपनी फरमाइश नहीं सुनी होती है। तो बस यही कहूँगा कि आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। फ़िलहाल नगमा सुनते हैं। इस नगमे को शौकत साहब ने सुनवाने के लिए लिखा है, तो शौकत साहब ये रही आपकी पसंद। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं, जी हाँ, रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। कुछ दोस्त हमारे प्रोग्राम में इस वक्त शामिल हुए हैं, ये हैं खान तारिक साहब, नजार साहब और दानिश इब्ने हबीब साहब और मुजम्मिल मुफज्जिल शबीर साहब। आप सबका खैर मकदम है। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:56 हुए हैं। तो अब हम आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको इस खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह ने के पान। मुझे खाक में मिला।